आपको सभी को पता होगा कि मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी है फनी महाजन, तो इस करके आई द गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी वेट कर रहे होंगे कि मैं लाइव आऊं और जो मेरा लाइफ नमस्ते का आज हमारा गेस्ट बुलाने का प्लान था उस चीज पे हम लोग वर्क करें। आप सभी को सिंपल सा एक फंडा है कि शिवी गौरव महाजन स्टेप स्विंग एकेडमी एक न्यू आप न्यू चीज आप सभी के लिए लेके आई है लाइव नमस्ते, जिसमें हम हर फ्राइडे को एक सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे और आप लोगों के साथ लाइव सेशन करवाएंगे उनका, जिसमें आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं इफ यू इंटरेस्टेड, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मत कीजिएगा और आप लोग को लोग बहुत मजा आएगा। इस बार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी के बादशाह मतलब कॉमेडी करने वाले पर्सन। अब बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं पंजाब में, राजस्थान, हिमाचल, हिमाचल हिमाचल से हमारे जो गेस्ट है इस बार की वो है हिमाचल से। आप सभी को बताना चाहूंगी वो है हिमाचल से, उनका नाम है प्रिंस गर्ल, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं और बहुत सारे शोज जीत चुके हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं उनकी। उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। वो है अपने हिमाचल से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जो कि है वहां पे एक छोटा सा विलेज है बहुत प्यारा हसीन वादियों के बीच में, गार्ली विलेज, तो वहां के वो रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ वो उनका स्ट्रगल, उनकी अचीवमेंट्स जो आप लोगों को मैं बताती हूँ धीरे धीरे करके। पहले मैं इतना बता दूं प्लीज, जो जो नहीं जानता है इस टाइम लाइव हो जाए, क्योंकि हमारे साथ आज के गेस्ट हमारे प्रिंस गर्ल कॉमेडी के बादशाह जुड़ने वाले हैं, और जो कि है हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि वो हमारे साथ जुड़े, उससे पहले मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये जागरण करते थे, आप लोगों ने जागरण के बारे में सुना होगा, जो हम लोग करते हैं माता के भजन वगैरह वो करते थे। इनकी शुरुआत, इनकी लाइफ ऐसे ही स्टार्ट हुई है। उसके बाद इन्होंने 2007 में लाफ्टर चैलेंज शो देखा और तब इन्हें रियलाइज हुआ, या मीन रियलाइज हुआ, इनको फील हुआ कि कॉमेडी तो मेरे ब्लड में है, मैं नेचुरल एक्टर हूँ और मैं कर सकता हूँ। उसके बाद धीरे 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 इन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कॉमेडी को जरिया बनाया। इनकी इस सक्सेस के पीछे, इनकी लाइफ की उड़ान के पीछे है कॉमेडी, जो कि हम सबको इस टाइम बहुत जरूरी है। मतलब हंसते रहेंगे तो लाइफ बिंदास रहेगी। 2016 में इन्होंने बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये फर्स्ट रनर अप रहे थे। मतलब आप सोचिए, बेस्ट कॉमेडियन हिमाचल के फर्स्ट रनर अप। उसके बाद इन्होंने 2017 में जम्मू हास्य प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया, वहां पे भी ये फर्स्ट रनर अप थे। वाओ, मतलब हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो भाई और जीतते रहो। इनका एक ही फंडा है, जियो जीने दो और हंसो, यानी हंसो हंसाओ और जीने दो। 2018 में इन्होंने हंसाने का मुखिया कौन, एक टीवी रियलिटी शो है ये, उसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और इस टीवी रियलिटी शो की बदौलत इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स है। मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि सबको पता है मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं बहुत लेट थी, बट प्लीज आप लोग मेरे को प्यार करते हैं तो मेरे शो को भी प्यार करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ अपने गेस्ट आज के प्रिंस गर्ल को जल्द से जल्द जोड़ू, ताकि हम लोग उनके बारे में बात कर सके। और उसके बाद एक आप लोगों को एक और बात बताऊंगी, इन्होंने बहुत सारे यूथ फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट किया है। यूथ फेस्टिवल्स आप सभी को पता होंगे, तो 5 टाइम ये स्टेट विनर रह चुके हैं। 5 टाइम गाइस, 5 टाइम बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इन्होंने 3 टाइम नेशनल अवार्ड भी विन किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे देश को आगे लेके जाने वाले जस्ट पंजाबी नहीं है, हिमाचली भी है। आप सभी को पता है मैं भी हिमाचल से हूँ, आई मीन सबको पता होगा कि मैं शिमला से हूँ। इन्होंने फिल्म हिमाचली फिल्म्स अवार्ड बेस्ट कॉमेडियन भी जीता है।
को बहुत सारे जसपाल भट्टी सर से भी अवार्ड्स मिले हैं। ओके, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम मैं चाहूंगी मैं अपने आज के गेस्ट मिस्टर प्रिंस गर्ग को अपने साथ ऐड करूं, और प्लीज उनको प्यार करने वालों के लिए, ओ हाय सर। गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, जैसे आप देख ही रहे होंगे मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ओके लॉकडाउन कैसे चल रहा है? सर, लॉकडाउन मतलब मेरा वैसे बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, और लॉकडाउन की वजह से मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पा रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी, बट आई एम सो सैड बिकॉज आपको पता होगा कि बहुत से घरों में नुकसान भी हुआ है। सर आप मुझे बिल्कुल सुन पा रहे हैं? यस सर, आपके बिल्कुल शेड्स बिल्कुल, सुन सुन रहा हूँ। बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप सर। मैं सारे बोलते हैं। सर यही सेम कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए भी आता है, मुझे भी सारे यही बोलते हैं, आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं, बट मुझे पता होता है वो क्यों बोला जाता है, तो आप समझ होंगे मैंने आपको क्यों बोला। हाँ, क्योंकि वी आर हिमाचली एंड आई प्राउड टू बी आई एम हिमाचली। हिमाचली होने पे भी हमें गर्व है। वाओ, वेरी नाइस सर। सर थैंक यू, सबसे पहले वेलकम एंड थैंक यू, मेरे शो में आपका स्वागत है। राइट नमस्ते। और सॉरी बिल्कुल सर, पता है कि राइट नमस्ते मैंने नाम क्यों रखा है? आप जी, बताएं। कैसे प्रिंस को सर? आई हैव नो आइडिया, प्लीज टेल मी। ओ सर, ये लाइव नमस्ते मैंने इसलिए, आपको पता होगा आप हिमाचली हो, तो हिमाचली गले मिलने से बेटर नमस्ते करना ज्यादा बिलीव करते हैं, और पंजाबी क्या होते हैं, आओ भाई गले हाँ मिलो जब भी, बिल्कुल। जब और हम हिमाचली होते हैं, नहीं जी नमस्ते जी, इस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो मैंने अपने शो का नाम लाइव नमस्ते रखा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और दूरियां सोशल डिस्टेंस को कायम रखते हुए शो का नाम रखा गया लाइव नमस्ते। प्रिंस सर, वाह मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें करी है, मुझे सीरियसली जी, आप पे प्राउड है, इतनी यंग एज के बावजूद आपने बहुत सारी अचीवमेंट ली, मतलब इतनी छोटी सी एज से आप, मतलब ये सब कैसे आप ये बड़ा बोलिए मुश्किल का है जी। मुश्किल सर। से क्वेश्चन कर दिया आपने मेरे साथ से। क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत करने में बिलीव रखता हूँ। अवार्ड तो खुद मिलते रहते हैं, बस मैंने मेहनत समय के अनुसार और अच्छे गाइडेंस के साथ करता गया, अच्छे गुरु मिले, अच्छा रास्ता मिलता गया समय के हिसाब से। सो बहुत कुछ हो गया छोटी एज में, अभी कंटिन्यू है। प्रिंस और वेरी नाइस, प्रिंस सर आपने अभी बोला गुरु मिले, पर मैंने आपका बायोडाटा सारी हिस्ट्री चेक करी और उसमें मुझे पता चला आप खुद एक कलाकार हो, आप उसमें बिलीव रखते हो कि मैंने खुद से अपने आप से ट्रेनिंग ली है और बहुत सारे शोज देख के अपने आप को यहां तक पहुंचाया है, उसके पीछे का राज क्या सर? गुरु से मेरा मतलब ये है कि जिनके पास हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि जो हमारा टीचर होता है या मेरे माँ बाप हैं। हालांकि उन्होंने मुझे कॉमेडी नहीं सिखाई, लेकिन अच्छा रास्ता दिखाया कि आप यहाँ से नहीं, इस रास्ते जाओ, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। और यूट्यूब से वीडियोस देख के एंड टीवी पे सुन के जो खुद को पॉलिश किया, बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे हम लोगों ने खुद को इम्प्रूव किया एंड बढ़ते गए। एंड आज आपको इंटरव्यू दे रहे हैं एक, आई नो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक ब्यूटीफुल लड़की मेरा इंटरव्यू कर रही है। बिल्कुल सॉरी प्रिंस सर, ब्यूटीफुल लेडी, आप लेडी का टैग मत हटाइए बिकॉज मेरे को फेसबुक पे रोज धड़ाधड़ मैसेज आते हैं, हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप अनमैरिड है या मैरिड है, इस करके मैं बताऊं मैं मैरिड हूँ और मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है, तो इस चीज को हिमाचली जाते भी लगते हैं। मैं, ओह थैंक यू सर, ये कॉम्प्लीमेंट सोचूं या कमेंट समझूं? एजुबिश ओके प्रिंस सर, मैंने आपके बारे में बहुत स्टडी करी आपके इंटरव्यू लेने से पहले, मैंने एक चीज आपके बारे में सुनी है कि आप जागरण करते थे पहले। हाँ, मैंने 6 से लेके 10 तक मैंने जागरण किए। मे भी मतलब आप ये देख लो कि 2005 से लेके 2010 तक 4-5 साल मैंने जागरण किए हैं। वाह सर, जागरण, आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने ये चीज ऑब्जर्व भी करी और फील भी करी है, मतलब देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, मेरे खुद के जितने रिश्तेदार हैं सारे हिमाचली जागरण जरूर करते हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। ये आपके रिश्तेदार में सारे कलाकार है ना? मेरे रिश्तेदारों में कोई कलाकार नहीं पैदा हुआ अभी तक। सारे जॉब करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है। तो ऐसा है कि
अभी मतलब ऐसा मुझे भगवान ने टैग दिया तो मैं चाहता हूँ मैं उसे संभाल के रखूँ एंड और आगे लेके जाऊं। बिल्कुल सर, प्रिंस सर आपके शेड्स यार बहुत अच्छे हैं। मेरे एक फ्रेंड है, इनफैक्ट मेरे साथ वो वर्क, हम लोग एक साथ काम करते हैं, हरीश जसवाल, वो भी मतलब आप बिंदास उसके शेड्स ही पसंद आते हैं। बंदा पसंद ना हो पर शेड जरूर पसंद आते हैं मुझे। ये आपके लिए नहीं वाह, था प्लीज, है ना प्रिंस सर? शादी होगी आपकी? अभी नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल बच्चा सा हूँ, आपको लग रहा हूँ मेरी शादी हो गई होगी, आपकी सर ऐसे उम्र तो मैं, कम लग सकती है और मैं ज्यादा लग रहा हूँ। मेरा मैं वही तो कह रही हूँ, फिर तो मैं भी 16 की हूँ सर अभी। तो परसों जन्म हुआ है। बस वह सर परसों जन्म होने के बावजूद इतनी सारी अचीवमेंट। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, जो कि आपने ना बहुत सारे शोज किए, अवार्ड शोज मिले जस बाल भट्टी सर से, ठीक है, कनाडा के सीएम, जी मतलब बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में जो मैं पढ़ चुकी हूँ, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे साथ साथ। एक आपने रियलिटी शो किया था जी जिसके थ्रू आपने हमें बताया, मतलब पता चला हमने आपके बारे में जब सर्च किया, कि जिसके थ्रू आपको रियल में फेम मिला, जो जी आपकी आज तक की सारी अचीवमेंट का राज है। आप दुनिया में छाए, आप लाइव शोज लगातार करो, मतलब लॉकडाउन में भी बंदों को रोना नहीं है, हंसना है, क्योंकि उनके साथ है प्रिंस गर्ल। प्रिंस गर्ल सर एक थोड़ा सा यार प्रिंस बताओगे मुझे क्या है हंसाने का मुखिया कौन? हसाने का मुखिया कौन, हमारा एक रियलिटी शो आया था नेशनल टीवी पे एंड इसका मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट रहा था। तो वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा शो था कि जिसने बहुत सारा नेम फेम दिया एंड उसी शो में आने के बाद मैं हिमाचल का पहला ऐसा कॉमेडियन बना जिसने कॉमेडी को नेशनल टीवी पे पहुंचाया। तो एक मेरा लालच है जो मुझे यहाँ तक पहुंचा गया कि जब मैं किसी को हंसता हुआ देखता हूँ या मैं उनके होंठ पे एक स्माइल देखता हूँ तो मुझे फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या लग रहा हूँ उनको, बस उसी स्माइल के लिए, उसी स्माइल को भागते भागते मुझे प्रिंस गर्ग का टैग मिल सब देखते रहिए मुझे, गया। हाँ क्योंकि बिल्कुल, मेरा सर मैं वैसे बहुत इमोशनल हूँ, मेरे को बहुत जल्दी रोना आता है, ऐसा लोग सोचते हैं, पर मैं आपको ऐसी आपको नहीं। मैं भी आपको मैं भी नहीं देख सकता क्योंकि आप शादी हो चुकी है और अब बेबी भी है, तो मैं तो अभी किसी को देखूंगा तो मैं किसी और को देखूंगा। नहीं सर कपिल शर्मा भी फ्लर्टिंग तो कर ही लेता है, तो मेरे लिए भी तो फ्लर्टिंग कोई वो नहीं है। लड़के क्यों, लड़कियां भी फ्लर्टिंग कर सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब सामने इतना स्मार्ट जेंटलमैन बैठा हो जो कि अभी तक कवारा हो, तो फिर थोड़ा बहुत चांस तो बनता ही है सर। हाँ बिल्कुल, अच्छा थैंक यू। प्रिंस सर एक है ना, प्रिंस सर दूसरा, आपने जम्मू में भी एक शो में पार्टिसिपेट किया था जिसके आप फर्स्ट रनर अप थे, हास्य प्रतियोगिता, जी उसके जी बारे में थोड़ा सा वहां की क्या, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन से ऐसे में कोई आपने ना आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ना आप मोनो एक्ट वगैरह, कोई ऐसा कुछ आपका फंडा नहीं है कि हाँ भाई मैं ये कॉमेडी करता हूँ तो इसके थ्रू आप मुझे जान सकते हैं? आप बिंदास कॉमेडी करते हैं, मुझे पता चला आपके ब्लड में कैसे आ सकती है सर कॉमेडी, ब्लड में मतलब इन द ब्लड सेंस में कि कोई मेरे घर में सारे मुझे लगा कोरोना जी वायरस की तरह ब्लड में कॉमेडी भी हो सकती है सर। ये सबसे अच्छा है मैम, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे ना मुझे लालच है कि बस मेरा जो थीम है वो लास्ट का थीम है कि मुझे हंसाना है, जो मेरे सामने बैठा है मुझे उसके होंठों पे हंसी लेके आना है। जैसे मैं डिडंट मैटर, मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड जम्मू हास्य प्रतियोगिता वो मेरी लाइफ का एक थोड़ा सा अलग सा कॉम्पिटिशन है। ऑटो पे हंसी मैं लेके आ रही हूँ। नहीं, आप हंसते अच्छे लगते हैं। और मैं वैसे भी मैं लाइव कमेंट साथ साथ पढ़ रहा हूँ। पल्लवी जी कह रही हैं हेलो प्रिंस सर, हाउ आर यू, मैं अच्छा हूँ सर। हरीश भाई मुझे मुझसे इंस्पायर्ड है, थैंक यू सो मच। एंड कह रहे हैं पूरे हिमाचल लास्ट ब्रो, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी पीपल एंड माई इंग्लिश इज ओवर देन कंटिन्यू इन हिंदी। तो मैम प्लीज मैं आप जरूर ये आपको मेरे बारे में आप थोड़ी सी तारीफ करते रहिए, मैं आपके बारे में करती रहूंगी, और हमारा शो पक्का सक्सेसफुल होगा, क्योंकि साथ में जुड़े हैं शिवी महाजन एंड प्रिंस गर्ग, और हमें जोड़ने वाले दो पर्सन हैं, उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अच्छा हाँ हाँ सर बिल्कुल, एक क्योंकि जो मेन जी सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ना बड़े टाइम से सोच रही थी यार, मैं क्योंकि आपको पता ही दिया है मैं शादीशुदा हूं, तो समझ ही रहे होंगे आप मैं शादीशुदा हूं,
है ना। हाँ तो सभी जो शादीशुदा वुमेन्स है इस टाइम उनके क्या हाँ बीत रही होगी, आप क्या महसूस फील कर रहे होंगे उनके लिए? मुझे तो इसका अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, और जैसा मैंने अपने घर में माहौल देखा है उसी हिसाब से बता सकता हूँ आपको कि मेरे घर में कुछ चेंजेस नहीं है। मेरे लिए तो वैसे ही है कि चलो जी बर्तन साफ कर दो, पानी पानी भर दो, झाड़ू मार दो। तो सर शादीशुदाओं के मेरे लिए भी घर सेम सेम है सेम है, पर सर मैं जी। आपको बता दूं मेरे घर में मेड है, वो सारा काम करती थी, पर अभी मेरी लाइफ की ना, आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला, मतलब हाथों की हो चुकी है प्रॉपर, झाड़ू पोछा लगा लगा के, और बेचारी वो वाइफ्स जो इस टाइम काम कर रही है, और सबसे ज्यादा तरस मुझे उन हस्बैंड्स पे आ रहा है जो इस टाइम फंस चुके हैं अपनी वाइफ्स के जाल में पूरी तरह से। तो उनके लिए वाह, सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो खुद सोच रहा था कि मेरी भी शादी हुई होती तो हम भी इस लॉकडाउन में कुछ कह पाते, पर अभी शादी नहीं हुई है और भगवान करे दोबारा लॉकडाउन ना लगे। सर प्लीज शादी मत करिएगा, अगर स्पेशली उस टाइम लॉकडाउन लग जाए तो, वो तो बिल्कुल ही प्लान मत कीजिएगा सर। सर आप ऐसे ही होता है, कॉमेडी, ऐसे ही होता है मैम, जो बंदा मंत्री बन जाता है वो ऐसे ही कहता है कि प्लीज पॉलिटिक्स में मत जाना। और जो बंदा चोर होता है बोलता है मैं चोर नहीं हूं, है ना। तो आप लोग कमेंट पढ़ सर रहे हो, दीपक जी कह रहे हैं कि मोटू पतलू की आवाज पे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए प्रिंस भाई जी। जरूर मैं भी सुनाता हूँ, हरीश भाई भी मोटू पतलू को सर डिमांड कर रहे हैं। एंड मैं अपने विचार रखना चाहूंगा शिबी मैम के क्वेश्चन पर, कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं बताता चलूंगा। थैंक यू सर, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने फोन रखा है अपने पास। सर ये मोटू पतलू वाला फंडा प्लीज मेरे से शेयर कीजिए, इस बारे में मेरे को भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली 50 से ज्यादा आवाजें निकालता हूँ, तो उसमें एक मेरी सबसे जो फेवरेट है और जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है यूट्यूब पे, उसको 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, तो ओह माय, टिक टिक पे। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ पे मुझे डिमांड आई है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये इंटरव्यू अगर कार्टूनों के बीच पहुंच जाए तो बातें कैसी होगी वहां पे? वहां पे माहौल बहुत अच्छा बना होगा, तो बातें इस तरह से होंगी कुछ की वो बड़े प्यार से कहेंगे, हाँ हाँ हो सब गंजो, ये इंटरव्यू चल रहा है, मस्त मजा आएगा। सर प्लीज इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यू रखते हैं, बिकॉज मुझे बहुत मजा आना है। मेरे को रोज, मैं ना सिर्फ 2 persons की फेसेस देखती हूँ, हस्बैंड बेबी हस्बैंड बेबी। आज मेरे को न्यू फेस देखने को मिल रहा है, तो आई एम सो हैप्पी, और मैं इस चीज को कंटिन्यू चाहूंगी। आप करो मोटू पतलू वाला प्लीज सर। और ना ये जितने भी कार्टून है उन सारे कार्टूनों में एक रुतबा पड़ गया कि प्रिंस गर्ग लाइव आने वाला है उसका ग्रोइंग एकेडमी के पेज पे, सारा जल्दी जल्दी जुड़ो। तो ऑगेन द कॉकरोच कह रहा है, बड़े भैया हम जब ग्रोइंग एकेडमी के पेज पे प्रिंस गर्ग लाइव आ रहे हैं 6 बजे, और मुन्ना मैं भी देखूंगा उसे लाइव, छोड़ो बनाए बचाओ बनाए आओ डप चिपका। वाओ सर वाओ, ये टैलेंट हिमाचलियों में ही है सर, मुझे बहुत मजा आया। अभी तक मैंने पंजाबियों में देखा था, बट मुझे सच में मजा आया कि आपने इतनी छोटी एज में इतना कुछ ट्रेन। अच्छा ये ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? वैसे तो कोई गुरु आपका स्पेशल नहीं है। ये प्रिंस प्रिंस गर्ग जो हिमाचली स्टार माय बिग ब्रो सुपर स्टार, थैंक यू सो मच जस्सी भाई। मैं एक मिनट कमेंट का रिप्लाई कर दूं सभी का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लोग अपना इतना कीमती टाइम जो देते हैं, मेरी ये फैमिली है, सोशल मीडिया की मेरी एक फैमिली है, सर ये खुश एंड आई तो रिस्पेक्ट हम, टू एवरीवन। सर प्लीज कंटिन्यू सर, आप कर लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देखिए, फोन में थोड़ा कम देखिए सर, मैं कंटिन्यू आपको ही देख रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, मैं पिछले 10 दिनों से सिर्फ मेरे जितने भी इंटरव्यू हैं सारे लड़कों ने किए हैं, तो आज मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा सर। है। यू वो भी आर अगर योर ब्रदर इज खूबसूरत, सुपर स्टार, थैंक यू सो मच सौरभ जी, सुनील जी। हाँ बिल्कुल खूबसूरत, वाह जी वाह, क्या बात है प्रिंस भाई, आई एम योर फैन। सत्य सैम भी मेरे भाई, प्रणाम, थैंक यू। अक्षय चंदेल जी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, लिखा गॉड गिव यू मोर एंड मोर सक्सेस, बस लगे रहो, थैंक यू सो मच भाई। नमस्कार प्रिंस भाई, शिवन जी थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और जिनके मैं अभी तक कमेंट पढ़ पाया हूँ, आई विल ट्राई। मैं पूजा जी हेलो, जस्सी भाई थैंक यू, मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं सभी के जो रिप्लाई हैं वो देता रहूँ, ये मेरी तरफ से भी आ रहे हैं आपकी तरफ से भी आ रहे हैं,
तो इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, डोरेमोन के ऊपर आते हैं। डोरेमोन नोबिता को कह रहा है, नोबिता नोबिता मुझे इस लाइव आने वाले प्रिंस कर को देखना, नोबिता मुझे वो गैजेट देना। ये चीज अगर हस्बैंड ने वाइफ को कहनी हो तो कैसे कौन सी हस्बैंड बोलेंगे? तो कुछ कह ही नहीं सकता, हस्बैंड तो बेचारा बेचारा होता है ना, वो तो कह ही नहीं सकता उसके सामने कुछ। ऐसा क्यों सर? नहीं सर, आप ये चीज से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। आई थिंक सारी वाइफ्स भी एग्री होने वाली नहीं है। हस्बैंड कह नहीं सकता, हस्बैंड बहुत कुछ कहता है, उसके रिएक्शंस बस एक ही होते हैं। चुप रहो में बहुत तो मुझे सर, ये ऐसा लग रहा है नोबिता कि मेरी आपके साथ इसलिए ज्यादा हस्बैंड बनती है क्योंकि हम दोनों हिमाचली हैं, और अब इस रोड को जो लाइव कर रहे हैं वो हमारे प्रिय गौरव भाई, और वो मेरे बड़े आदरणीय हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनका भी मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आपके साथ लाइव यहाँ पे कुछ वार्तालाप करने का। आप मुझे सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं या मुझे? डेफिनेटली आप मेरे पति की तारीफ कर रहे हैं, आई थिंक, तो मेरे को बहुत अच्छा लग नहीं, रहा गौरव भाई है। ओके रियली बहुत अच्छे इंसान है, और मैं आपको आवाजों की बात बताऊं कि ये आवाजें मैंने बहुत साल पहले सीखी थी और इनको इम्प्रूवमेंट किया, तो ये जब मैंने सीखी तब तो मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हमारे घर में कार्टून भी नहीं आते थे, एंड ये ओ, बहुत साल पहले की बात है। तो मतलब मैं आपसे हाँ हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी हूं, ये कह सकते हैं ना सर? नहीं, मैंने तो मतलब कार्टून, आपने देखे, पर मेरे घर में वो सिस्टम नहीं था कि मेरे घर में कार्टून वाले चैनल आए, ये मेरा मेरा कहने का मतलब है, तो उस पर्पज से कह रहा हूँ मैं। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों को पता लगा कि जब बचपन सारा निकल गया कि कार्टून भी होते हैं, तो जब बड़े हो तो बच्चों ने बोला कि मैं ना चलिए करेक्टर करता था, चाचा काला मेरे दोस्त का करेक्टर है, तो वो करता था, और वो किस तरह से बोलता था, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, तो लोग लगे कहने छोटे बच्चे भाई मोटू की आवाज है, तो मेरे को पता नहीं है मोटू क्या है। फिर मैंने ना जब ये आ गया मतलब 2015 से, जब नया नया जियो आया था तो यूट्यूब भी चलता था बहुत अच्छे से, फिर मैंने सर्च किया वहाँ पे यूट्यूब पे कि सारे मोटू की तरह बोलते हैं तो है क्या, फिर मैंने सुना वहां पे तो बड़े प्यार से तो मोटू ऐसे बोलता, फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया, फिर मैंने और कार्टून सुने, फिर उनको बस सुन सुन के हेडफोन लगा लगा के इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस कर करके, तो आज है डेली आपके सामने मैं यहाँ लाइव हूँ। नहीं वाह सर, प्रिंस सर, आई एम सो हैप्पी कि ये टैलेंट आपने, मतलब बहुत कम लोग होते हैं, बहुत इनफैक्ट रेयर होते हैं जो अपने टैलेंट को निखारते हैं। वरना हमेशा क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हाँ चलिए ठीक है, जैसे आपने अपने आप ही किया ये सब कुछ, अपनी ट्रेनिंग, आपको सलूट है स्टेप्स ड्रॉइंग की तरफ से और शिवी महाजन की तरफ से। तो क्या होता है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी रियलिटी से भी दिखाना चाहूंगी कि आप हिमाचल से, बट यहाँ जो पंजाब में होता है, अच्छा पेरेंट्स बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए गुरु जरूर ढूंढते हैं, गुरु जरूर ढूंढते हैं बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए, बट उसके बाद ना बस वो सारा गुरु के ऊपर है, बच्चे का कोई है वो नहीं है ना पेरेंट्स का है, सिर्फ गुरु के ऊपर है, गुरु क्या करेगा करेगा या नहीं करेगा ये सब गुरु के ऊपर है। पर आज स्टेप्स ग्रोइंग अकेडमी और शिवी गौरव महाजन स्टेप्स ग्रोइंग अकेडमी के सारे सेलिब्रिटी किड्स आपको सलूट कर रहे हैं बिकॉज आपने अपना टैलेंट निखारा और आज हमारे सामने पेश किया। थैंक यू प्रिंस सर। थैंक प्रिंस सर, यू। आपके बारे में एक सुना था, जसपाल भट्टी सर से आपको अवार्ड मिला बेस्ट नहीं कॉमेडियन का, उनसे नहीं, वो मेरे उनके उनके और उनकी तरफ उनकी जो भी याद में करवाया जाता है वो अवार्ड मुझे मिला है उनके हाथों से, तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, उनकी वो भगवान को प्यारे हो गए थे, लेकिन उनकी याद में जो ओके करवाया जाता है हर साल कुछ गिने चुने लोगों को वो अवार्ड मिलता है, इस बार 32 लोगों को मिला था, तो उसमें मैं भी एक था जिसमें दो कॉमेडियन थे पूरे इंडिया से, तो एक मुझे मिला था एक पंजाब से थे कोई। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छी बात है। और आपको बोलूंगी, जसपाल भट्टी सर के साथ मैंने मूवी भी करी है, बट वो मैं ये मेरे बहुत सारी चीजें जो मैं सस्पेंस में रखना बिलीव करती हूँ, मैंने उनके साथ मूवी करी है वाह, और मैं बताती नहीं हूँ, पता आपको आप तो अपने बहुत अपने टैलेंटेड हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, फ्यूचर में जब भी मैं और ज्यादा कहीं लाइफ में आगे बढ़ूंगा तो मैं इस इंटरव्यू को दोबारा फिर देखूंगा। सर दोबारा नहीं देखना, हमने दोबारा जुड़ना है क्योंकि लाइव नमस्ते में हाँ आने का बिल्कुल, मोटिव है। लाइव नमस्ते अगर सक्सेस होता है तो आपके हाथों से ही होने वाला है क्योंकि आपके आपके साथ जुड़ा है वो इस बार। सर एक थैंक यू और चीज सो मच, मुझे, थैंक यू सो मच। आपने जैसे फेस्ट पे,
आप नेशनल फेस्ट में भी जाते हैं, जो यूथ फेस्ट होते हैं, तो इसमें भी आपने 5 टाइम अवार्ड्स जीते हैं, जो मैंने आपके आने से पहले अभी ऑडियंस तक पहुंचाया था। स्टेट के जी जी 5, मतलब जो आपके 5 टाइम अवार्ड जीता है अपने स्टेट लेवल पे, तो जी कैसा फील होता है कि यार इतनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट, और वो शादी भी नहीं करी आपने, ऑफर नहीं आ रहे या आप करनी मेरी नहीं? शादी के आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए? आप मेरी मैं शादी चाहती के हूँ, पीछे क्यों पड़े? मेरा एक ही मोटिव है, मैं सूली पे हूँ तो सब सूली पे लटके। तो बताइए। कौन आज ऑफ यू नहीं, थैंक यू सर। एक्चुअली पता क्या है, अभी तो मैं मेरी इसके लिए एज होगी, क्योंकि वहां पे 25 साल तक ही आप जा सकते हैं यूथ फेस्टिवल में। तो मैं जितने अभी तो मैं वैसे स्टूडेंट भी हूँ, साथ में मेरा डबल एमए चल रहा है, अभी हिंदी की मेरी एमए कंप्लीट हो गई, इंग्लिश की चल रही है। तो अभी मेरी एज होगी 25 साल वहां के लिए। तो जब तक मैंने वो कंपटीशन फाइट किया है, मैं हमेशा उसका विनर रहा हूँ, और इसके लिए मैं भगवान को बड़ा सारा धन्यवाद करता हूँ दिल से, कि ने मुझे वो फर्स्ट वाला हमेशा जिंदा रखा। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, जो बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं अभी। तो वाह, नाइस और इसके अलावा जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है, तो मैं उस अवार्ड के लिए 1 या 2 दिन खुश होता हूँ, रूम में रख दिया, 1 दिन खुश हो गया, क्योंकि उस अवार्ड की तारीफ तभी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं आगे मेहनत करूंगा, अगर मैं वही उस अवार्ड में ही फंस जाऊंगा और आगे काम नहीं करूंगा, तो जो मेरे लिए तारीफ करते थे वही मुझे गालियां निकालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अवार्ड मेरे लिए, मुझे मुझ पे कभी हावी नहीं हो सकता, चाहे मुझे आईफा अवार्ड भी मिलेगा कल को, डेफिनेटली 1 दिन मिलेगा, मैं ये सपना लेके चलता हूँ लाइफ में। वेरी नाइस सर। सर मैंने आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट करना था उससे पहले आपके बारे में कुछ बताया था लोगों को कि आपकी लाइफ का एक ही फंडा है, हंसो हंसाओ और जीने दो। मतलब बिल्कुल हंसते रहो हंसाते रहो और जीने दो। ये जीने दो मतलब क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि हंसो हंसाओ और जीने दो। मैं आपको अब नॉर्मली बात करता हूँ। जीने दो से मेरा जो फंडा है वो ये है कि आज के समय में लोग ना टांग खींचने में बहुत लगे रहते हैं। तो जब भी हम सर किसी की टांग खींचते हैं, तो पहले पहले हम पीछे आते हैं, और जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, तो पहले हम आगे जाते हैं। तो प्लीज हम पर रिक्वेस्ट टू एवरी वन कि आप हमेशा जिंदगी में सभी को सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम किसी का दिल से साथ देते हैं, तो वो मालिक हमारा साथ देता है। बस मैं इस फंडे पे कायम, अच्छा काम करेंगे, अच्छा बीजेंगे, अच्छा मिलेगा, क्योंकि भगवान का लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। आपके पास एक खेत खाली है, उसमें आप एक बीज बो दो, उसमें बहुत सारे दाने निकलते हैं। उस एक चिल्ले को बीज के जो ऊपर की चिल्ला होता है, उसमें बहुत सारे दाने लगे होते हैं। डिपेंड करता है आपको अच्छे बीजने कि बुरे बीजने हैं, तो इसलिए डिपेंड करता है आप कैसे हैं। आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप बुरे हैं तो आपको उसी तरह के लोग वेरी मिलेंगे। नाइस सर। सर आपकी बातें सुन के सच में मुझे नहीं ये फील हो रहा कि आप कह रहे हो मैं इतनी कम एज का हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसा 1% नहीं फील हो रहा। आप बहुत मेच्योर बातें करते हैं और बहुत अच्छा लगा कि एक, लोग कहते हैं कॉमेडियन जी है तो जी ये हर तरफ कॉमेडियन ही रहेगा, ये हंसता ही रहेगा लोगों को, बट कॉमेडियन के अंदर भी समझदारी है भाई। बिंदास होके आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रिंस गर्ल को, जो इस टाइम अपनी समझदारी हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉमेडियन है तो हम समझदारी वाली बात नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा। और सच में आप, आई थिंक आप मॉडलिंग भी करते हैं? मैं सारा कुछ ही करता हूँ, मेरे गाने भी आए हैं मार्केट में, मॉडलिंग भी, मैंने म्यूजिक की डिग्री की है। तो अभी आप वाह सुनेंगे कि मेरा साईं बाबा का भजन है। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मतलब लोग आने वाले समय में अपने बच्चों को मेरे एग्जाम्पल दें कि बनना है तो इसकी तरह बनना, कोई काम नहीं छोड़ना एंटरटेनमेंट की फील्ड में। और कॉमेडियन वही एंटरटेन होता है आज के समय में जिसको सारे काम आते हैं, मिमिक्री वो सर कर ले, मेरे, गाना वो गा ले, डांस वो कर ले। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। कॉमेडियन है तो आपके लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडीज हुई हो कि जिसको आज के दिन, जो लॉकडाउन में घर बैठे हैं बंदे बोर हो रहे हैं बार बार, उनके लाइफ एंटरटेन, जो एंटरटेनमेंट शोज आते हैं टीवी पे वो नहीं चल रहे हैं, कुछ ऐसी मजेदार बातें आप हमसे शेयर करने में इंटरेस्टेड हो कि यार शिवी मैंने तेरे को ये बहुत बात हुई हैं, बतानी है, बहुत बहुत तो बहुत कोई हुई हैं, बता बहुत दे। ज्यादा है। एक बार में हम ना बैक स्टेज पे बैठे होते, तो सारे मतलब जब शोज होता है तो बहुत सारे लोग फोटो करवाने आते हैं, मिलने आते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो छोटे छोटे बच्चे आ गए मेरे पास, मतलब 5 6 साल के, और ना एक दूसरे को देख के इशारे कर रहे हैं, तो बड़े तरीके से सामने वाले को दूसरे को बोल रहा है, होता मैं इधर मैं और ऐसे होके बैठ गया।
मैं और आशय, अरे आशय के बाद दूसरे को बैठे ओ किस माय कह रहा है, गॉड, और आशय के खिलाड़ी है, मेरी तारीफ हो रही, और दूसरे को कहता नहीं काटता ये, नहीं काटता आ जा जा, मैं बोला यार मैं कुत्ता हूँ। आपको मतलब ऐसे लाइफ में बहुत मेरे सारी पास, ट्रेजेडीज हुई होगी। हाँ मेरे पास आके वो मुझे ही कह रहा है, मैंने आपको देखा है, आप टीवी भी आते हैं ना, मैं बोला हाँ बेटा आपने कहाँ देखा, आपको आपको मैंने देखा हुआ है, आप डिस्कवरी चैनल पे चूहे पकड़ते हैं ना। मैं बहुत हंसा ये सुन के। इस टाइम सभी तक ये मैसेज बार बार पहुंचाना चाहती हूँ कि प्रिंस गर्ग सर, जो कि कॉमेडियन है हिमाचल से, वो इस टाइम हमारे साथ लाइव है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए स्टेप्स विंग एकेडमी के पेज पे और हंसी के पतंगे उड़ाए मस्ती से। और कि सर दूसरा एक मुझे पता चला था, तिब्बत में आपको प्रेसिडेंट कुछ ऐसा अवार्ड। हाँ मुझे 2000, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 2017 में मिला कि 16 में, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड मिले हैं मुझे, आदों की याद नहीं है। तो मुझे तिब्बत के राष्ट्रपति जो लोब संगसांगे उनसे सम्मानित होने का मौका मिला था मुझे धर्मशाला में, तो वो मेरे लाइफ के कुछ बेस्ट मोमेंट थे। क्योंकि राष्ट्रपति, आपको पता है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक ऐसी पोस्ट होती है, वो एक किसी भी देश की या किसी भी कह सकते हैं आपको बहुत बड़ी पोस्ट है। तो वो मेरे जिंदगी के कुछ हसीन पल है, जिसमें मुझे बेस्ट कॉमेडियन से लेके बेस्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी एंड बहुत सारे ऐसे अवार्डों से नवाजा गया है। तो अभी मेरे घर में अवार्ड्स रखने की जगह नहीं है मोमेंटो, तो मैं बेड में डालता हूँ, अभी बहुत बड़ा घर ओ, बनाएंगे फिर उसमें रखेंगे। तो आपका क्या कहना है, अवार्ड जीतने चाहिए या नहीं जीतने चाहिए? अवार्ड जीतने चाहिए, अवार्ड हम लोगों को एक अगर आप, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर आप शादी कर लेते हैं तो आप सिर्फ शादीशुदा हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप माँ भी हैं। तो मतलब दूसरा बेबी कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आपको पूरी खुली छूट है। हाँ कि जैसे अवार्ड जीतते ही रहना चाहिए, हर साल नए नए अवार्ड्स इकट्ठे कर लेने चाहिए, तो मतलब हर साल नए नए बेबीज, तो मतलब जितने साल जियोगे उतने साल इमेजिन कर सकते हो। और फिर ओ माय गॉड, आप मेरे एग्जाम्पल को बहुत खतरनाक लेवल पे ले गए। सर मेरा यही मैं चाहती हूँ कि यार हम लोग बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसमें बात करने में इतना हाइडनेस क्यों रखना? नहीं, पब्लिक देख रही है यार, पब्लिक देख लेगी यार, पब्लिक ये सुन लेगी, ऐसा कुछ नहीं है यार। बात कर रहे हैं हम नॉर्मली और अपनी फीलिंग्स हम जनता के पास पहुंचा रहे हैं। जिनको अच्छी लगेगी वो लाइक डेफिनेटली करेंगे, और जिनको नहीं अच्छी लगेगी वो डिसलाइक 100% करेंगे। तो मैं उस बात को बिल्कुल लेके बिल्कुल, बिल्कुल भी नर्वस और परेशान दुखी नहीं हूँ। आप हो सकते हैं क्योंकि आप लाइफ नमस्ते के साथ जुड़े हैं, आपको फील हो रहा होगा यार शिवी तो नहीं बहुत बताती है, तो परेशान नहीं होना क्योंकि आप नहीं नहीं लाइफ नहीं जुड़े हैं। नहीं नहीं मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आपकी बातें, और खुद को खुशनसीब समझता हूँ, और स्पेशली थैंक्स करता हूँ मैं अपने प्यारे से हरीश भाई का और गौरव भाई का, जिनकी वजह से ये लाइव सेशन चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है इसमें, और आई होप कि आप सभी भी बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे इसको। तो जल्दी से जाएं और स्टेप ग्रोइंग एकेडमी का जो पेज है तो उसे शेयर कर दें, लाइक करें और इस इंटरव्यू को फैला दें, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के जो अच्छे से मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं यहाँ पे उनको पढ़ भी रहा हूँ, साथ साथ में लाइव कमेंट भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख रहा हूँ जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं कुछ लोग व्हाट्सएप पे, इंटरव्यू हम लोग देख रहे हैं, तो मेरे थैंक यू ब्रदर सो सो है मच। कुशल शर्मा, वो उन्होंने मुझे सिस्टर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मेरे को वैसे सारे सिस्टर बना लेते हैं, मैं क्या करूं, मतलब मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं होता कि मुझे सिस्टर बना लेंगे, फिर भी सिस्टर बनना ही पड़ रहा है। तो ये खुश शर्मा जी है, इन्होंने लिखा है सर कि अवार्ड तो आर्टिस्ट की जान होती है। और बताइए सर, जी इस कमेंट के आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मेरे भाई, आई नो, मैंने ये नहीं कहा कि अवार्ड जानने होता है, मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि शादी के एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो लेवल बढ़ता है इंसान का, अगर आप पहले किसी की बीवी हैं तो फिर आप माँ बन जाती हैं, अवार्ड जरूर जान है, लेकिन अवार्ड आपको ये नहीं कह सकता कि अवार्ड से आपको फ्यूचर में 10 गुना ज्यादा काम मिल जाएगा, ये आप वहां से उसी अवार्ड से आप सुपरस्टार बन जाएंगे। मैंने ये कहा कि आप उस अवार्ड को, मैं औरों के लिए नहीं, मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे कहता हूँ कि मैं अपने अवार्ड को एक दिन घर में रखने के बाद दूसरे दिन फिर कंटिन्यू उसी स्पीड से आगे काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो लोग मुझे उसी अवार्ड के साथ जो तारीफ कर रहे थे वो गालियां निकालेंगे। अवार्ड जान जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे जरूर
ले जाने में मदद करती है, वो बूस्टअप करती है हम लोगों को, पर अगर आप रुक जाएंगे एक अवार्ड के बाद सब खत्म हो जाएंगे। सर आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम? और मतलब मैं अभी आपको कहने लगा, मतलब कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। कहा जाता है हिमाचली बहुत स्मार्ट होते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो वैसे मैंने पूछ लिया कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम। अच्छा ये ठीक है, लड़की फर्स्ट मेरा नाम बाकी हटेगी है। हाँ मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि इस बार आपके साथ जुड़ी है शिवी महाजन, जो आपसे कुछ भी पूछ सकती है यार, इसमें कोई फील नहीं यार, हाँ मैं बता सकती हूँ तो आप भी बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अभी सीधा शादी होगी, मैं जिसके साथ भी करूंगा। वैसे भाई मैं सोशल मीडिया पे कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन वेरी सून जिसके साथ भी शादी होने उसके साथ फोटो डालूंगा। सॉरी सर, आप सलमान खान तो नहीं बनने वाले? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। वाह सर मैं बहुत फील होता है मुझे सलमान खान सर के लिए कि पता नहीं वो कब मैरिज करेंगे और मैं कब जेलसी वाला रोऊंगी बैठ के कि फाइनली सलमान ने मैरिज कर लिया है। बट आप कब तक करेंगे? आपने मुझे वैसे क्वेश्चन घुमा दिया, कॉमेडियन इसमें भी बड़े तेज होते हैं क्वेश्चन घुमाने के लिए। मैंने पूछा आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड स्कूल में थी, कॉलेज में थी या अभी है? मतलब अभी तो सिर्फ शादी वाली है जिसके साथ शादी करनी है, है मतलब हाँ भी और नहीं भी, आप मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूज़ में चल जाए शाम को। पता है आपको कि कैसे खेलना है, कैसे खेलना है। बहुत अच्छी बात है सर, इससे पता चलता है कि 1500 लाइव आप कर चुके हैं इस टाइम। मैंने आपके 1500 लाइव वीडियोस देख चुकी हूँ, आप 1500 लाइव इंटरव्यू दे चुके हैं, इसी से पता चलता है एक्सपीरियंस बोलता है। मतलब बंदा घुमा सकता है यार, बहुत स्मार्ट वाह, है, वेरी नाइस। सर स्कूल लाइफ के मैंने बारे में क्या बहुत जानेंगे सारे आप? इंटरव्यू दिए हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, पर आपकी तरह क्वेश्चन पूछने वाले अभी तक मुझे ऐसा कोई मिली नहीं, क्योंकि आप क्योंकि मैंने ज्यादातर इंटरव्यू हिमाचल में भी दिए हैं, बाहर भी दिए हैं, इंडिया लेवल पे भी इंटरव्यू दिए हैं, बड़े बड़े चैनल को दिए। तो आप शिमला से हैं जितना मुझे पता है, और आपका ससुराल जो है पठानकोट में है, तो आपके अंदर दो चीजें बसती हैं, एक हिमाचली एक पंजाबी। तो मतलब वो आपका मल्टीपल जो हो रहा है ना, वो बड़ा खतरनाक वो बड़ा कदर, मतलब आप मेरे मेरे फ्रेंड फॉलोइंग जो कि शायद नहीं है, शायद हो भी सकती है आपके साथ इंटरव्यू के बाद, उनको क्या बोलना चाहेंगे? श्री महाजन से बच के रहे या श्री महाजन के साथ जुड़े रहे? है। मैं कहूंगा कि आपको जहां भी अच्छे लोग मिलते हैं, आप जरूर उनके साथ जुड़ें, क्योंकि तुम मुझे अपने 5 दोस्तों के बारे में बता दो, मैं तुम्हारे अगले 50 साल बता सकता हूँ। तो इसलिए आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप 5 शराबियों के साथ रहते हैं, तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगले 3 महीनों बाद 6वें शराबी आप होंगे। अगर आप अमीर लोगों के बीच रहते हैं, तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि 3 महीने बाद आप करोड़पति होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल के बीच रह रहे हैं। सर वैसे मैंने ये टॉपिक छेड़ना नहीं था, बट मुझे लगता है थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात कर लेनी चाहिए। कोरोना लॉकडाउन ये सब कुछ जो चल रहा है, आपने लॉकडाउन के दौरान क्या किया? हमारे टॉपिक का मतलब हमारा जो आज का लाइव सेशन का था, आपको पता ही होगा हमारा टॉपिक था कि मुश्किल वक्त में भी कैसे हंसे, तो आप कैसे बताना बिल्कुल चाहेंगे? जो बेचारी शरीफ हाउसवाइफ होती है, आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे की तरफ, नहीं, बिल्कुल शरीफ हाउसवाइफ जो इस टाइम आपके साथ लाइव है, कैसे उनको अपने टफ लाइफ में भी हंसते रहना है? मैं कोई भी चीज है ना, उसे अगर हम लोग जितना दुखी मन से समझेंगे वो उतना ही कष्ट देती है, और जितने हम हैप्पीनेस से उसे देखेंगे वो उतना ही खुशी देती है। हम लोग तो अपनी फैमिली के साथ हंस लेते हैं एक दूसरे के साथ, मम्मी को कुछ बोल दिया, पापा कुछ बोल दिया, पापा ने हम लोगों को बोल दिया, हम हंस रहे हैं। तो आप भी प्लीज, अगर क्योंकि इंसान ना पूरी उम्र रोता ही रहता है, आप भी उसमें एक है जैसा मुझे पता है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं वो, अब टाइम मिला है तो उसमें क्या कर रहे हैं। क्योंकि इंसान तो ऐसा ना, मुझे टाइम नहीं है टाइम नहीं टाइम नहीं बोलते, तेरे को 26 घंटे दिए, क्या उखाड़ ले क्या उखाड़, पता फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस नजर से उस लॉकडाउन को देख रहे हैं। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, सुबह मैं मजे से उठता हूँ 8-9 बजे, अब जब उठते हैं तो फैमिली से थोड़ी गप्पे छप्पे हैं, दोपहर का टाइम निकल जाता है, तो के शाम को इंटरव्यू कर लेते हैं हम किसी ना किसी के लिए, डेली इंटरव्यू चला रहता है, तो मजा आता है। रात को फिर 9-10 बजे तक हंस लेते हैं लाइव आगे दोस्तों के साथ, तो सॉरी बहुत सर मैं इंजॉय। बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, आपके लिए कमेंट आया है दलजीत, शायद मेरे लिए हो पर मुझे लगा आप ही के लिए होगा क्योंकि लोग मुझे तो इतना पसंद नहीं करते हैं। आपके लिए आया है कमेंट,
आपका पहला प्यार, बताइए सर, क्योंकि मेरा पहला दिलप्रीत प्यार मेरी माँ। पहला प्यार आपकी माँ। वाओ, वो अभी भी है ये हमें। बहुत अच्छा बोला और सर आपने वैसे। मैं आपको ये बता दूं, शिवम जी ने कहा नमस्कार प्रिंस भाई, श्वेता जी ने कहा हाय प्रिंस, लक्की भाई बहुत खूब खा जाओ, लक्की चांदला जी बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं भाई, लव यू, आपने मुझे लव यू गाया, लव यू टू मनोज भाई, लव यू टू, थैंक यू सो मच, पंच हो जाए बिल्कुल भाई, थैंक यू कुलदेव जी, गुड गुड, थैंक यू भाई। तो मेरा पहला प्यार जो मेरी माँ है, और वो पूरी जब तक मैं मरा नहीं तब तक रहेगी, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। मैं तो वैसे भी लोगों को मेरा मोटिव है हंसाने का, आपने बोला मेरा पहला प्यार मेरी माँ, पर मैं ये चीज मतलब ये लाइन सभी बोलते हैं सर, मैं इस नहीं तो चीज से डिसएग्री करती आपने कौन से वे से पूछे वो आप क्लियर करें, फिर मैं भी बताता हूँ कि मेरा कौन सा प्यार पहला कौन सा दूसरा। आपने क्या सिर्फ पहला प्यार पूछा, ये भी तो कौन से वे से। सर, मैं नहीं सुन पाई आपको, प्लीज आप थोड़े से इस लाइन को दोबारा रिपीट कर दीजिए। आपने कहा कि पहला प्यार, मैंने कहा कौन से वे से, आप ये क्लियर करें फिर मैं बताता हूँ कौन सा प्यार पहले वे से, आप रास्ता पहला कौन प्यार, सा। पहला प्यार ना सर, समझिए पहला प्यार मतलब पहली फीलिंग्स, पहला प्यार। जिसके साथ फिर शादी करूंगा। आई नो सर, आप बताना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी आपकी, वरना उन सबके दिल टूट जाएंगे अगर एक का भी गलत नाम दे दिया नहीं, आपने। बहुत सारी, मतलब मैं तो पूरे इंडिया के लॉकडाउन में आ गया कि चला हूँ और लड़कियां पीछे चली हुई, आपके कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल सर, डेविड आप भाई। सर, आपकी फेवरेट मूवी, आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हो। एक मिनट मुझे जरा कॉल आ गया था। ओके आप मुझे सुन पा रही हैं? या डेफिनेटली सर, मैं सुन पा सुन रहे हो पा आप? रही हूँ। या हाँ जी, हाँ जी सर, सुन पा रही हूँ। ब्लूटूथ। तो ये मनोज जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा गर्लफ्रेंड वाले प्यार के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर दीजिए। भाई लड़की वाला प्यार केवट भाई भी पूछ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता है कि ऐसे कोई कमेंट नहीं कर रहा था और हमने लड़कियों की बातें लगाई और कमेंट, ये वाओ कितने खराब होते हैं सारे हिमाचली मेरी तरह। ओ भाई मत कर बोल। सर यही लाइफ का फंड है कि आप जब तक मतलब उनके मन पसंदा टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, तो मुझे लगता है इस टॉपिक पसंद नहीं करेगा तो मुझे। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रिंस गर्ग सर का एकदम से फुटेज है। जस्ट मिनट, अगर आप मुझे 2 मिनट्स देते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि प्रिंस सर कहाँ गायब हो गया। लड़कियों के टॉपिक पे हमने बात छेड़ी थी और वो एकदम से गायब हो चुके हैं। आप देखिए, आई थिंक प्रिंस सर को कोई कॉल आ गया इमरजेंसी तो उन्हें जाना पड़ा, तो कोई बात नहीं। जब तक आपके साथ आपकी फेवरेट लाइव नमस्ते की होस्ट शिवी महाजन है, आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको प्रिंस गर्ल कॉमेडियन के साथ कितना मजा आया। मैंने उनके बारे में आपको काफी कुछ बताया। हाँ कर दो, हाँ वो चलेगी सर, पूछो फोन करके। मैंने आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताया, मैं आपको बताऊं सॉरी वो प्रिंस सर, फोन आ रहा था बार बार खुद भी खुद। सर समझ सकती हूँ आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया होगा, मतलब नहीं शाम को नहीं आता मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल। अब ऑडियंस प्लीज आप इस चीज को क्लियर कर ले, सर की चाहने वाली जितनी भी फ्रेंड्स या जिनके भी ड्रीम्स है कि मेरे को सर के साथ वाइफ बनना है या सर की गर्लफ्रेंड मैं भी हो सकती हूँ, कि सर की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ये क्लियर मैं आपको बता सकती हूँ एज अ गर्ल की ही इज कमिटेड सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ शादी होगी अब सीधा शादी करूंगा, बूढ़ा हो रहा हूँ ना दिन प्रतिदिन। आप तो मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों कर लेंगे। सर क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ जब आर्टिस्ट लोग की गर्लफ्रेंड होती है तो कितना मजा आता है, मैं ये चीज फील कर सकती हूँ।
सर और कुछ सर बड़ा आप? बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है आपने, जो मुझे बड़े सारे मैसेज आ गए, मजा आ गया आपका ये लाइव सुन के, बहुत सारा अच्छा फील हो रहा है मुझे, बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं पर्सनली भी व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने इस लाइव को हर जगह शेयर किया था। ओके सर बताइए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनाता हूँ, जैसे ढोल बजते हैं ना, बड़े तरीकों से ढोल बजते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल की ढोल बज रहा है, दुख 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 दुख, तो इसी में ना एक शराबी आ गया बीच में, बड़े तरीके से कह रखा है, मजा नहीं आया, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाए, तो वो कह रहा है दुख 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 दुख। ऐसे ही मान लो आपके सामने लड़की की शादी हो रही है, लड़की को लेके आ रहे हैं और यहाँ बैंड वाले बैठे हैं, तो उन्होंने शुरू कर दिया, बीच में एक शराब भी आ गया, वो बड़े प्यार से, भाई मजा नहीं आया, तो हिमाचल की सबसे फेमस नाटी जा रहा है, बहुत सारे किस्से हुए हैं। सर सबसे अच्छी बात, आपने एक किस्से के थ्रू अपना टैलेंट दिखा दिया यार। हाँ प्रिंस सर आप में कमाल हो। मैंने हरीश भाई से, सॉरी वो मेरा भाई नहीं है, सॉरी प्लीज क्लियर कर दो इस सेंटेंस को, ही इज नॉट अ माय ब्रदर। हरीश सर से कि बहुत सारी आपके बारे में बातें सुनी है, वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभिमन्यु सर ही इज अ ग्रेट पर्सन, आई लाइक, बहुत अच्छे पर्सन है। उन इन दोनों से मैंने आपके बारे में बहुत कौन तारीफ सुनी। से अभिमन्यु? वो लंबे लंबे बालों वाले नहीं 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 सॉरी, अभिमन्यु सीरियसली मैं कंफ्यूज हो गई कि नाम तो नहीं ले दिया ना। अभिमन्यु सर बहुत, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी यहाँ पे मैं बहुत तारीफ होती है, मतलब आपकी फैन फॉलोइंग चंडीगढ़ में भी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अगला जो भी शो कराऊं आप प्लीज वहां पे आइए, और आपकी गर्लफ्रेंड मैं थैंक यू ढूंढूं सो मच। या आप ढूंढे, आपके लिए एक हे मैसेज आया, देवी, कमेंट आया। हे देवी, हे देवी, हे सुंदरी, आप मेरी प्रिय गर्लफ्रेंड की भी चिट्ठी पढ़ी है। सर क्योंकि आज का टॉपिक यही है, कैसे रहते हैं। मेरी तो मम्मी ने सर कमेंट किया है, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू बेटा, आज मुझे इस इंटरव्यू के बाद बहुत कुछ जवाब देने पड़ेंगे, मेरी मम्मी भी लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, फाइनली मुझे लग रहा है मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। सर एक गर्ल है जिसने आई थिंक मैसेज कमेंट किया है, आपके रेफरेंस से ही होंगे ये, कृतिका सर। हेलो, जी जी हमें हंसा दो, इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, वो बहुत बोर हो चुकी है, उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैम को, तो वो चाहती है कि आप उनको थोड़ा सा हंसा दें। मैंने ना आजकल एक नई चीज, मेरे ना चलिए चार्जिंग कम हो गई, आप मुझे सुन रहे हैं, इस पर टूं टूं की आवाज आ रही है, मैं इसको नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, जब बिल्कुल बंद होगा तभी मैं इसको फिर मैं दोबारा अगर ये बंद हो जाएगा, तो एक मिनट में मैं ओके इसको ब्लूटूथ से बंद कर रहा हूँ। ओके सर का फोन डेड हो चुका है, जैसे कि आप सभी को सर ने बताया था। मुझे आई थिंक सर आप, मैं आ गया। सर जादू जादू मूवी देखी आपने? हाँ मैं एक्चुअली ना आजकल मैंने एक नई चीज लिखी है, शिमला के ऊपर के जितने भी लोग हैं ना वो हिंदी बड़े स्टाइल से बोलते हैं, उनका एक अलग सा फंडा होता है हिंदी बोलने का, तो मैंने उसको कॉमेडी में तब्दील करने की कोशिश की है, आपके वहां पे भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तो एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है शौंकी, तो ये ना मतलब 50 साल इनकी एज है और इनकी शादी नहीं हुई है, तो इनके आप जाके जैसे पहाड़ पुठे सीधे होते हैं वैसे ही भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप इनसे जाके कुछ भी पूछ लो उल्टा जवाब मिलेगा आपको, तो मैं भी चला गया इनके पास, मैंने बोला और भाई कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ प्रिंस, तो मैं अपना सुनाओ तेरे कैसे हाल है, मैंने भाई मैं भी अच्छा हूँ, मेरे को बताओ आपने आपने शादी क्यों नहीं की, और तेरे को मैं क्या बताऊँ यार प्रिंस, फेसबुक पे ना सिंगल स्टेटस डालने का अलग ही मजा आता है। सर तो मैं
तो मैंने इनको बोल दिया, मैंने बोला भाई आपके घर कहाँ जैसे हैं, वो सामने मेरा मकान है, ऊपर मेरी दुकान है, आओ कभी हवेली पे टेको माथा। इनडायरेक्टली वो आपको इनवाइट कर रहे हैं आओ हवेली पे, तो आप समझ चुके होंगे उनका इंटरेस्ट। हे मैं समझ गई शायद। भगवान। हाँ तो सर आपके लिए बहुत कमेंट्स आया मेरे को, आप प्लीज कुछ प्लीज बताएं, मैं आधों को ही देख पा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ सर उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें ना। सीरियसली बहुत लोग मेरे साथ एग्री है सर, आपकी गर्लफ्रेंड का बहुत लोग वेट कर रहे हैं। कौन से लोग हैं वो जो मेरी गर्लफ्रेंड के वेट कर रहे हैं, मुझे उनकी उनकी बायोडाटा चाहिए। सर वो शायद चाहते हैं कि आप उसका नाम अनाउंस कर दो। नहीं अभी नहीं करूंगा मैं नाम अनाउंस, नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है, चेहरे पे है सर मुझे आपके लिए मुझे लड़की खूबसूरत, कैसे कैसे लड़की क्या। धर्म पत्नी होने वाली है मतलब वाइफ, वो खूबसूरत होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, क्या आपकी फील्ड से होनी चाहिए, कॉमेडियन लाइन से होनी चाहिए। कॉमेडी क्या वो आर्टिस्ट होनी नहीं चाहिए दूर दूर तक, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं दूर दूर तक नहीं। सर, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है कि जो मेरी सोच है उस यहाँ पे आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर दोनों डॉक्टर हैं तो अगर एक ऑपरेशन करके आएगा तो दूसरा क्या, इसने कौन सा नया कर दिया, मैं क्यों पानी पिलाऊं इसको, मैं भी करती हूँ, मैं इसने कौन से झंडे गाड़ दिए। अगर मुझे उसकी फील्ड का नॉलेज नहीं होगा और उसे मेरी फील्ड का, तो दोनों एक दूसरे की ज्यादा रिस्पेक्ट कर पाएंगे। दिस इज माई थिंग। सर इस बात से मैं भी एग्री हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरी लाइन से है क्योंकि मतलब हम दोनों क्योंकि क्योंकि अगर आप सेम लाइन के हैं तो आप बहाना नहीं लगा सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ ऐसा, उसको किस्से सुनाएंगे तो लाइफ के बहुत सारे किस्से हो जाएंगे सुनाने को, अगर अलग अलग फील्ड से होंगे तो फिर टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, बहुत सारी कॉमेडी मुझे उसकी फील्ड की मिल जाएगी। सर मैं बताती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहना हाँ चाहते हैं कि अगर दोनों सेम फील्ड से होंगे तो राज कोई नहीं रहेगा, नहीं मतलब नहीं 10 सेकंड्स है तो उसको पता होगा आपके साथ कितनी लड़कियां फ्लर्टिंग कर रही है, उसको ये भी पता चल जाएगा और सेम नहीं उसके साथ होगा। वो वैसे भी वो ओपनली मैं अपने सोशल मीडिया से अगर किसी को रिप्लाई करता तो वो स्क्रीनशॉट भर के मुझे मेंशन हो जाता है, तो भी सारे फैंस देखते हैं, वाह यार, तो रिप्लाई करने का भी डर लगता है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप कमिटेड है। नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, पर आप अगर पीछे पड़ी गई हैं तो अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता हूँ, अभी वो सही टाइम नहीं। मतलब मैं पीछे नहीं पड़ी हूँ सर, मैं आगे बिल्कुल फेस टू फेस होके बात कर रही हूँ यार। मैं पीछे नहीं आप बड़े खतरनाक बड़े खतरनाक तरीके से, हे प्रभु ये लड़की आज पता नहीं क्या क्या का इंटरव्यू खत्म करेगी। ओके, तो मतलब आप मुझसे अलविदा लेना चाहते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ है, सच में थोड़ा कहाँ, 53 मिनट हो गए और हम लोगों को पता ही नहीं लगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आप पता है ना किसके साथ जुड़े हैं, श्रीवी महाजन के साथ। सर मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉमेडी करते हैं, उनमें से एक का नाम है चार्वी अरोड़ा जो बहुत अच्छी चाइल्ड आर्टिस्ट है, और बाकी उसको ज्यादातर ना लोगों को हंसाने में मजा आता है। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप जब भी चंडीगढ़ आए उससे जरूर मिले। तो सर आप बच्चों के लिए कोई टिप देना चाहेंगे कि बच्चों को कॉमेडी कैसे सीखनी चाहिए। मैं बच्चों को क्या, मैं बड़ों के लिए भी एक ही बात कहना चाहूंगा कि कॉमेडी एक इकलौता ऐसा टैलेंट है पूरी दुनिया का जिसे सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि कॉमेडी कोई भी नहीं सिखा सकता आपको कि आपको ऑन द स्पॉट कोई कह रहा है और आपको उसके ऊपर क्या जवाब देना है, वो एक अंदर से एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, अगर हम लोग किसी को सिखाएंगे तो वो उसी लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो कॉमेडी अच्छे लेवल पे कॉमेडियन शायद वही बनता है जिसके अंदर से एक उसको फीलिंग आती है कि नहीं मैं इनको हंसा सकता हूँ, ये मेरे अंदर टैलेंट है। बिल्कुल सर आपकी बात से मैं एग्री हूँ क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं मेंटर हूँ, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। अरे हाँ, ट्रेनिंग से याद आया सर, पता चला है कि आप स्कूल भी स्टार्ट कर चुके हैं। जी अभी हमारा थोड़े दिन पहले एक हिमाचल का इकलौता ऐसा स्कूल हमने स्टार्ट किया है, प्रिंस गर्ग आर्ट स्कूल, जिसमें आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, मॉडलिंग, जो भी FL हो गया, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, कॉमेडी, उसमें एक स्पेशल हमने कोर्स ऐड किया है, और
एक्टिंग का, एक्टिंग के लिए स्पेशल इकलौता ऐसा स्कूल है हमारा जिसमें संस्कृत में भी मतलब क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल एक्टिंग भी सिखाई जाती है। ओह वाओ सर, आपका कुछ प्लान है चंडीगढ़ में? प्लान की प्लाट सर प्लान, किस तरह का मैं प्लान? प्लान, सर प्लान कुछ भी नहीं, बस गर्लफ्रेंड ढूंढनी है आपके लिए चंडीगढ़ में। आपके मम्मी का आ गया है मुझे आशीर्वाद, बेटा तू ढूंढी जा, मैं वेट कर रही हूँ। बहुत देरी, इतने एडवांस हैं आप। सर अब आपने बोल ही दिया है तो फिर अब मैं वर्क उसी पे कंटिन्यू रखूंगी। सर मेरा एक था कि एक मुझे आपकी फैमिली, आपके छोटे ब्रदर भी है सर, आपके लिए रिक्वायरमेंट, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें जोक सुनने हैं सर से। हाँ देखिए ना, जैसे हमारे अभिमन्यु भाई है ना, वो पूरे गंजे हैं, तो सर उनके बाल कहते हैं है। कि मेरे और भाई में ना एक बात है बहुत बड़ी, जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले अभिमन्यु भाई को पता लगता है। और इससे बड़ी बात, और ऐसा जैसे ना कि उनको देख के तो ये लगता है, अब जैसे नॉर्मली बात है कि इंसान की लाइफ में दो औरतें आती हैं, सबसे पहले आती है उसकी माँ, जब माँ हाथ फेरती है तो प्रिंस गर्ग जैसे बाल बढ़ते हैं, फिर आती है उसकी गर्लफ्रेंड, जब गर्लफ्रेंड हाथ फेरती है तो अभिमन्यु भाई जैसा सफाया, और उनको देख के तो ये लगता है कि पूरे मोहल्ले की गर्लफ्रेंड है उनके सर के ऊपर हाथ फेरती है। ओके फ्रेंड्स, आपको इसके साथ एक चीज पता चल गई होगी कि अभिमन्यु सर सिंगल नहीं है। नहीं, वाली है जब भी अभिमन्यु भाई ये मेरे देखने। मेरे हिसाब से आप इंटरव्यू छोड़ के पंडितों का काम शुरू कर दो, आप रिश्ते अच्छे करवा सकती हैं। नहीं सर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करती। मैं अपनी शादी के बाद सभी को एडवाइस देती हूँ, जियो और जीने दो। आप कहते हो हंसो और हंसो वाह, जीने दो। ये लाइफ का सर बेस्ट इंटरव्यू होने मेरी वाला आओ सर, अभिमन्यु सर ऑनलाइन है, वो आपको देख रहे हैं। हाय अभिमन्यु है। सर, प्रिंस गर्ग से मिलके वो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी लाइव इंटरव्यू पे हैं, बाद में ये मुझे गालियां भी देंगे। बिल्कुल सर, और शायद आपके साथ मुझे भी पता है, तो हम उनकी तारीफ कर देते हैं। अभिमन्यु सर आप बहुत अच्छे हैं, प्रिंस गर्ग सर ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि आप के बाल नहीं है, उन्होंने बोला आपके बाल बहुत बड़े। उन्होंने 1% भी ये नहीं बोला कि आपकी, आप सिंगल है, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला आप सिंगल हो, तो ये आप समझ। भाई, ये अभिमन्यु भाई जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं वो प्लीज इन बातों को उसी टाइम भूल जाएं, क्योंकि लॉकडाउन में माफ करना अनिवार्य बिल्कुल है। बिल्कुल, लॉकडाउन में माफ करना। प्रिंस गर्ग सर मुझे आपसे सच में बात करके अच्छा लगा। जब ये इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था, आप सभी को बताना चाहूंगी मैंने ये लेट क्यों करा। मैं 10 मिनट लेट थी, इसलिए मुझे इसको 10 मिनट और बढ़ाना है, क्योंकि मुझे प्रिंस सर के साथ सच में मजा आ रहा है। लाइफ वाओ, में सेम हियर। फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिसके साथ मैं एकदम बिंदास बात कर रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, यार ये बंदा मेरे को गुस्सा तो नहीं कर देगा, यार कल को हरीश भाई को फोन तो नहीं, ओ सॉरी हरीश सर को फोन तो नहीं कर देगा, यार क्या शिवी मैम, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, बहुत मजा आ रहा है। और मुझे पता है थोड़ी सी हरीश भाई भी बहुत अच्छे इंसान है, मतलब उनके जो ये छोटे छोटे बाल हैं, आने वाले समय में वो अपने यहाँ पे बालों से चोटियां करके मेले में डांस किया करेंगे आपको बहुत चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने आपको आई लव यू भी बोला है सर, ब्रो लव यू सर, ऐसे। वाह भाई, सर लव आपने बोला मुझे लव यू। सर नहीं, हरीश सर ने आपको लव यू बोला है। हरीश सर जब उनकी गर्लफ्रेंड ने ये सब कुछ ओ देखा, डेफिनेटली उनकी भी, यार लव यू बोल रहे हैं सर आपको, ओहो सर लव यू भाई, आप लोग लव। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ भाई, क्या कर रहे हैं आप। हरीश भाई लव यू सर टू, आप बहुत अच्छे इंसान है। सर शुभम ठाकुर है कोई, उन्होंने बोला है कि जो आपने अभी सर पे हाथ फेरने वाला जोक सुनाया था अभिमन्यु सर पे, वो प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, मतलब अभिमन्यु सर आपकी सॉरी सर, पर आप सर करना पड़ेगा। नहीं, ये
उमेश राज जी हैं, कह रहे हैं वाह प्रिंस भाई लव यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच भाई, ये जलंधर से हैं और मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो अभिमन्यु भाई ये स्पेशली आपके लिए, और ये अभिमन्यु भाई को मैंने लाइव 10,000 लोगों के, एक बार हमारा शो था और उसमें 10,000 लोग बैठे हुए थे और मैं स्टेज पे चला गया, पहली बार की बात है अभिमन्यु भाई सामने बैठे हुए हैं और मैंने उनको, तब मैं जानता भी नहीं था भाई को, तो मैंने बोला भाई वैसे ये जो पंच की रिक्वायरमेंट दोबारा से आई है तो मैं एक बार फिर से सुना रहा हूँ कि हुआ क्या, आदमी की लाइफ में दो औरतें आती हैं, सबसे पहले आती है उसकी माँ, जब माँ हाथ फेरती है तो प्रिंस करके जैसे बाल बढ़ते हैं, फिर आती है बीबी या गर्लफ्रेंड और जब वो हाथ फेरती है तो हमारे अभिमन्यु भाई जैसे और उन्हें देख के तो ऐसे लगता है कि पूरे मोहल्ले की औरतें उनके अजीम अजीम। बिल्कुल सर, आपके लिए सीरियसली अब डिमांड आनी शुरू हो चुकी है, प्लीज अनदर जोक सर। वाओ, मैं जोक जोक भी सुनाता हूँ बहुत खतरनाक। देखिए ना, मैंने एक चीज जो फील की, आप भी हिमाचल में बहुत सारा टाइम आपने काटा है ना, तो बड़े तरीके से यहाँ से जो मैंने चीज की है ना, लड़का लड़की को प्रपोज बड़े तरीके से करता है, तो बड़े तरीके से उसको बोलता है, जब ना मैंने आपको पहली बार देखा ना, मैं आपको देखता ही रहा, तो लड़की कह रही है आपने मुझे कहाँ पे देखा, लड़का कह रहा है आप ना गोबर फेंकने जा रही थी ना। सर एक बात बताती हूँ, मैं शिमला में थी माल रोड पे हमारे, तो वहां पे लड़के लड़कियों को ज्यादातर ऐसे ही छेड़ते, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं चंडीगढ़ से तब गई थी कुछ और मेन शूटिंग इवेंट्स इन चक्रों के लिए, तो सुनने में और तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे चिड़िया तो है नहीं, तो ये किसको उड़ा रहे हैं। और वहां से पुलिस वालों के जो डंडे पड़े हैं ना उन लड़कों को, माय गॉड, हिमाचल की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है ना इस मामले में, मतलब लोग कहते हैं यार हिमाचल के लड़के लड़कियां ऐसे है, ये है वो है यहाँ पे आके ये सब, बट हिमाचल की पुलिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी आपको पता ही होगा कि ऐसे स्ट्रिक्ट है ना, ये चीजें आपने खुद देखी होगी। मैं इस समय जो देश में माहौल चल रहा है, मैं उसके लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप अपने घर में रहें, और मेरी तरफ से उन सभी के लिए सल्यूट है, प्रिंस गर्ग उन सभी को सल्यूट करता है, जो भी जैसे हमारे बिजली वाले हैं, पानी वाले हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, उन सभी को, तमाम लोगों को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिस मुश्किल घड़ी में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और मुझे मनोज जी कह रहे हैं भाई आप आपके चाहने वाले चंबा में भी है, कुछ उनके बारे में भी कह दीजिए। भाई चंबा वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं और चंबा वाले नाचते बहुत तरीके से हैं, इनकी पीठ के ऊपर आप टैग रखो, नमकीन रखो, फिर ये नाचते रहते हैं ऐसे घूम घूम के, जब तक आप आराम से पैग खाओ, पैग लगाओ, नमकीन खाओ, फिर अगला स्टेप करते हैं, ये उनके लिए। पल्लवी जी कह रही है प्रिंस सर यू आर सो क्यूट, आज का दिन मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा, थैंक यू सो मच मैम हमें सर से मिलाने के लिए। पल्लवी जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई लव दिस कॉमेंट एंड ये कॉमेंट मेरे लिए भी मेमोरेबल होगा। प्रिंस भाई नाइस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ब्रो वी प्रिंस सर सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ या इनक्रिप्ट कर रही हूँ, ये पल्लवी जी ने आपको कमेंट किया, उसके बाद आपके चेहरे पे जो रौनक आई और आपने बोला ये मेरे लिए भी मेमोरेबल होगा, मतलब गर्ल का कमेंट आया, चंबा वाले प्लीज सुन लीजिए, जब सर को गर्ल का कमेंट आया सर और सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड, सर की सर आप शाय कर रहे हैं, आप एकदम ब्लश कर रहे हैं सर। दोस्तों इस बात को प्लीज बुरा ना मानने, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में लड़ाइयां ऐसे ही लोग करवाते हैं, ऐसे ही पंप देने वाले लोगों का जन्म होता है, तो आप प्लीज इनकी बातों पे ना आए, ये तो मैंने जस्ट ऐसे बोल दिया, उनके लिए मैं मेमोरेबल था तो मेरी तरफ से, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू टू मनोज भाई, थैंक यू जी मैम। सर मुझे कुछ आपकी फैमिली के बारे में बताइए, जैसे मुझे पता चला कि आपके मम्मा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पापा आपके बिजनेस है उनका, गवर्नमेंट नहीं हुए अभी, अभी गवर्नमेंट नहीं हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन मे बी वेरी सून। ओह वाइज, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है सर। क्यों इसके पीछे का रीजन बताती हूँ, मुझे कुछ दिन पहले सुनने में आया कि प्राइवेट वाले बेचारे इस टाइम रूल रहे हैं कोरोना की, मतलब लॉकडाउन की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट वालों को खाना मिल रहा है, सैलरीज आ रही है उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब ये फर्क है सच में या नहीं है?
ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसा ना हो कि कल को फिर न्यूज वाले इसी क्लिप को उठा के कहीं लगाएं, इसलिए इस बात को जहां तक छोड़ दिया जाए वहीं तक रहने दिया जाए, हम उनके पर्सनल बिहाफ पे नहीं जा सकते। मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा कोई फर्क नहीं है। अगर आप देखा है जो सरकारी जॉब कर रहे हैं इस टाइम गवर्नमेंट, उनके पीछे का स्ट्रगल प्राइवेट वालों के पीछे का स्ट्रगल, और अगर आप कंपैरिजन लोग कर रहे हैं कि हाँ प्राइवेट जॉब वाले तो उनको बेचारों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, वो घर पे बैठे उनको कोई सैलरी नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट जॉब जी वालों की भी सैलरी कटी है, ये जनता को बताना बहुत जरूरी है सर। वो लोग भी उतना ही स्ट्रगल करते हैं जितना प्राइवेट वाले करते हैं। नहीं, उनकी और पूरे इंडिया की, मैंने जो जितनी मैंने न्यूज सुनी थी और जितना मुझे पता है, पूरे इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सभी की 30% जो है सैलरी अभी गवर्नमेंट ने काटी है, और उसका 8,000 करोड़ बना है जो हम जैसे लोगों के बीच बंटेगा और हमारे सभी के फायदे के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं बिल्कुल है, सर, लेकिन मैं तो भगवान से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा ऐसा कोरोना और ऐसा लॉकडाउन बिल्कुल ना आए, और भगवान बहुत जल्दी ये सारे हालात ठीक कर दे, और फिर हम जल्दी जल्दी फिर मिलेंगे और सब बैठ के पार्टी करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे शोज करेंगे। आपको बताऊं कि अप्रैल में मेरा बर्थडे था, तो कुछ मेरे लिए लाइंस आपकी तरफ से, 6 अप्रैल सर। मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल क्या कहते हैं, मैं अपने तरीके से जिनको विश करता हूँ। थैंक बहुत सारी यू सो मच। शुभकामनाएं आपसे। लाइफ का सबसे अच्छा विश आया मेरे लिए, और बहुत डिफरेंट तरीके से। आई एम सो हैप्पी कि मुझे कोई इतने डिफरेंट तरीके से विश कर रहा है। सर आपका एक, मैं वाह सिर्फ थोड़ा गौरव भाई, सा, ध्यान से सुन लो, गौरव भाई ध्यान से सुनो ये सारी बातें। सारी जीरो हो गई। सर गाइस इस लाइन को थोड़ा सा कट कर सकते हैं, और प्लीज थोड़ा आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि आपने सर एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी सर। लोग पूछ रहे हैं कि हम लॉकडाउन के टाइम कैसे खुश रहे, घर पे कैसे अपने आप को हैप्पी रखे। देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है वो तो इनकी तरह इंटरव्यू करना शुरू कर दो, अपने पड़ोसियों को ही कर लो। अगर आप लोगों को सेलिब्रिटी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप प्लीज अपने पड़ोसियों के इंटरव्यू कर लें, उनके बारे में कुछ बातें जाने तो आपको मजा आएगा। अदरवाइज और शादीशुदा आदमी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तो शादीशुदा आदमी खुशी उस दिन ही आदि तो जय जय कर देता जिस दिन वो 400 लोगों को साथ लेके एक शेरनी को लाने जाता है, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। उनके लिए मेरा कोई कोई जवाब नहीं है, आप प्लीज इंटरव्यू करें। इंटरव्यू करें, वेरी नाइस सर। और जी जिसने इंटरव्यू करना है प्लीज प्रिंस गर्ग सर के इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू आप कर सकते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको कांटेक्ट करने के लिए आपको अभिमन्यु सर या हरीश सर से कांटेक्ट करना होगा। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स आप लोग मुझसे ले सकते हैं। सर आपका 3 टाइम नेशनल अवार्ड भी आपको मिला है जब आप यूथ पे गए थे, यूथ पे। हाँ, उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं वहां पे भी विनर आऊँ, लेकिन विनर तो मैं नहीं आ पाया था, लेकिन अवार्डेड हूँ मैं वहां से, बेस्ट परफॉर्मेंस का मुझे वहां से अवार्ड मिला था। एंड बहुत हसीन पल होते हैं वो जिंदगी के, मैं आज भी अपने दोस्तों को याद करता हूँ जो मुझे वहां पे मिलते थे या जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, मैं आज भी उन दोस्तों के साथ बात करता हूँ जो मेरा 6th में कोई दोस्त था, तो इसलिए उन चीजों को मैं कभी नहीं अपनी लाइफ में भूल सकता हूँ। जिन टीचरों के पास मैं 6th में पढ़ा हूँ उनको आज भी मैं कॉल करके बताता हूँ, सर आज मैंने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो वो सारी सर जिंदगी ना भूलने वाले पल होते हैं। ये बात सुन के सच में मुझे अच्छा लगा कि अपने टीचर्स के साथ आज भी आप जुड़े हुए हैं। वाओ, तभी आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल बोला बिल्कुल मेरे टीचर्स जो मेरे को पढ़ाते थे। गुरु वो नहीं होता जो आपको, मतलब लोग सोचते हैं अच्छा इसने मुझे एक्टिंग सिखाई है तो यही गुरु है। गुरु यार आपको खाना बनाने वाला भी आपका गुरु है, आपके मम्मा भी आपके गुरु है, आपको पढ़ाने वाला गुरु है, आपको शूज लेसिस बांधने सिखाने वाला भी गुरु ही होता है। आपको उसको एक दर्जा देना होता है प्यार से। सर एक आपको अवार्ड मिला था हिमाचल फिल्म अवार्ड कॉमेडियन का, जी 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 2019 बेस्ट कॉमेडियन इन द ईयर। का अवार्ड हिमाचल फिल्म इंडस्ट्री से। जी तो कैसा रहा जी सर जी ऐसा एक्सपीरियंस वहां पे आपका? बहुत अच्छा। एंड
बहुत सारे ऐसे अवार्डों से मुझे नवाजा गया है, तो कुछ तो मैं आपको लिखवा भी नहीं पाया हूँगा जब मुझे पर थोड़ा पर्सनली आप लोगों ने कॉल किया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक, बट सर यार मेरा एक ही था, मुझे जब पता चला कि आप बहुत छोटे होते से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में और आज आप प्राउड से बोलते हैं कि हाँ मैंने ये सब मेहनत करके अचीव करा है, इसके पीछे किसी की सिफारिश या किसी का इमोशनली बिल्कुल अटैच मतलब कुछ नहीं है, ये सब आपकी अपनी मेहनत है। तो आपकी मम्मा को ज्यादा अच्छा लगता है या पापा को? क्योंकि मैं एक पर्सनली बात करना चाहूंगा कि लेडीज जो होती हैं वो बहुत इमोशनली होती हैं, एंड आदमी थोड़ा कम इमोशनल होता है, तो जो जिसे हम लोग पिता के नाम से जानते हैं, बाप कहते हैं, फादर कहते हैं, वो कभी अपने फेस पे आने नहीं देता है कि हाँ मैंने ये किया। लेकिन जिस दिन मैं टीवी पे आता हूँ ना, मेरे पापा अपने बाजार में शटर मार के दुकान पे सारे दुकानदारों को कह रहे हैं आज रात को 9 बजे देखना प्रिंस मेरा बेटा टीवी पे आने वाला है। हालांकि सभी ने न्यूज में पढ़ा होता है, सारे मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन वो प्यार है। तो मैं वो एक ऐसा प्यार है कि किस आंख से मुझे ज्यादा दिख रहा है भी किससे कम, तो मैं ये नहीं बता सकता। तो वो नहीं एक कर सकते इकलौता है मेरे लिए, तो मेरे लिए वो बिल्कुल एक सर, बराबर है। मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि मुझे कौन सी आंख से ज्यादा दिख रहा है, कौन सी कम से दिख रहा है। तो मेरे लिए दोनों बराबर है, बिल्कुल और दोनों को खुशी होती है क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जगह मेहनत की और मुझे पाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मम्मा, वही बात है ना कि अगर मम्मा ने खाना बना के उस वक्त आपको दिया, आप कैसे दिया, किस तरीकों से आप तक खाना पहुंचाया, तो पापा ने उन तरीकों पे चलना आपको सिखाया। मम्मा ने अगर हौसला बढ़ाया तो पापा ने आपको तरक्की के रास्ते दिखाए। वेरी नाइस सर। आपके जी पापा की शॉप है ना, वो हाँ, बिजनेसमैन, साइकिल रिपेयरिंग की, हाँ साइकिल रिपेयरिंग की दुकान करते हैं मेरे पापा। वाओ नाइस सर। वैसे एक चीज बताओ, मुझे हाँ साइकिल भी नहीं आती चलाने। जी आप मेरे जैसे बंदे को इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको साइकिल चलाने की क्या जरूरत है, आपने जहाज चला दिए बड़े बड़े। थैंक यू सर। अच्छा एक लास्ट सर प्लीज, आई एम सॉरी, बस एक लास्ट, आपको लाइव नमस्ते में आके कैसा लगा? देखिए हम लोग अभी लाइव हैं, और सच में मतलब एक मैं दिल से एक बात बोलता हूँ, मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू मतलब किए भी हैं, दिए भी हैं, तो ये मेरी जिंदगी का एक बेस्ट ऑफ द इंटरव्यू कह सकता हूँ मैं, जिसे कि मुझे बड़ा मजा आया। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी लड़कियां जब इंटरव्यू लेती हैं, तो आधा क्वेश्चन तो बंदे के दिल में पहले है बच्चे, तो मेरी जिंदगी का बड़ा अच्छा इंटरव्यू, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ हरीश भाई का, गौरव भाई का, जिनकी वजह से मुझे आप इतने सारे मैसेज और बिल्कुल कमेंट देखने को मिले हैं। एंड मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को और स्टेप ग्रोइंग एकेडमी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वहां पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आपको जिस स्टूडेंट के बारे में बताया जो एक्टिंग में कॉमेडी करती है, और मैं चाहूंगी जब भी आप आओ प्लीज उससे मिले, और वो भी आपसे मिलना चाहेगी। वो डेफिनेटली अभी उसकी मदर हमें देख रही है, वो लाइव सेशन पूरा उसने एंजॉय किया है। रूही अरोड़ा है उसकी जी मदर का थैंक यू नाम। और जी सबसे पहले थैंक यू उन सबको जो 1 आवर हम दोनों के साथ जुड़े रहे और हमारे शो को एंजॉय किया। थैंक यू प्रिंस बिल्कुल, सर। थैंक यू आप थैंक कुछ कहना यू थैंक यू। क्या है बोल रहे हरीश हैं, भाई के लिए? आपको कुछ कहना है हरीश भाई के बालों के लिए? मैं यही कहूंगा कि इसके बाद कोई भी इस चैनल पे जो भी लोग इंटरव्यू देने आएंगे वो प्लीज कुवारे ना हो, अदरवाइज अगर आप इंटरव्यू देने आएंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड से लेके आपकी होने वाली बीवी तक यहाँ पे बहुत कुछ पूछने पूछा जाएगा, तो बच के रहे। तब तक के लिए आप खुश रहे, मस्त रहे और हंसते थैंक रहे। यू सर। हंसते रहे, ओके लाइफ थैंक यू, मेरी छोटी रही है, हंसते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिस लव यू जिसको ऑल, लव यू टू सर, लव यू टू सर, लव यू टू बोलने में कोई लव वो यू नहीं है। ऑल, ओके बाय सर, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय मैम। बाय सर, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरा लाइव हेलो फ्रेंड्स, ओके बाय नाउ इज टू, मतलब आप सबको मजा आया होगा शिवी महाजन के साथ। प्रिंस गर्ग ही इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है। हम हर फ्राइडे आप लोगों के साथ मिलेंगे, 1 आवर के लिए हम लोग मिलेंगे, और हर फ्राइडे आप सभी के सामने न्यू न्यू सेलिब्रिटीज, बहुत ही अचीविंग सेलिब्रिटीज होंगी, बहुत ही ब्रांड होंगे उनके। और मेरा मकसद यही है कि घर बैठे बैठे आपको कैसे
एंटरटेनमेंट दिया जाए। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी एकेडमी को सपोर्ट कीजिए और मेरी टीम को भी। थैंक यू, शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाय।